और इस समय मैं वासु से निमंत्रित करूँ कि आप सिर्फ आगे आके खड़ा हो जाए, ये उसके बदले में मैं उसके टेस्टमनी आपको बताऊं, क्योंकि यदि हम माइक दे देगा ब्रदर वासु के तो माइक छोड़ी भी है तो सिर्फ आप खड़ा रहे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, वासु शहर में घूम रहा था और ये जो लड़की लोग गए नो जो बाल वाला सब काम करे फ्रीजरों में, सो वो लोग इसको बुलाया, बोले फ्री तुम्हारा हेयर डाई कर दे, फ्री हेयर डाई कर देगा क्या क्या उन्होंने प्रैक्टिकल करे फ्रीजरों, तो वही इसको बुलाई हमसे बताए, मुझे हम सोचा कि अच्छा रह गया ट्राई कर दिए माउ हैंडसम हो जाए तो वासु चलाए सुन टाई वगैरह लगा दी, लेकिन उसका कानून है कि 30 मिनट्स में कुछ है माँ वो धो के सफा कर लो वगैरह वगैरह, उसके जब 30 मिनट्स देवा गए तो ये दुकान में से निकल के चला गया, तो ये चला गया फिर ये तो उसके बाद में फिर परवाह नहीं करी 5-6 घंटा हो गया और ये फिर घर ही आएगी लोग के, और उसके बाद में उसके जो केमिकल्स है उसके अफेक्ट करीस और वो बहुत बुरी तरह से उसको अफेक्ट करीस, इतना अफेक्ट करीस कि वो दिन में करीबन 2 बजे के समय सोए के लिए गए, उसको नींद लगे लगा और वो ऐसा सोईस कि कोमा में चला गया और वो कोमा में रहा, और फिर उसके परिवार उसको हॉस्पिटल पहुँचाए और हॉस्पिटल में वो 17 घंटा कोमा में रहा, और जब वो कोमा में रहा और जब ये सारी चीजें हो रहा था इसका प्रेयर रिक्वेस्ट हम लोग के पास आया, प्रेयर टीम के पास, और सिर्फ हम लोग ही नहीं बहुत सारे लोग गए और भी अदर चर्चेस के लोग के पास ये प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा गया और कई लोग वासु के लिए प्रार्थना कर रहे थे, और ये जो 17 घंटा था इस 17 घंटे के बीच में डॉक्टर लोग उसको सभी प्रकार के टेस्ट कर लिए और उनको एक भी बीमारी नहीं, लेकिन उस 17 घंटे के बीच में जब वो बेहोशी की हालत में था उसका प्राण वो स्वर्ग को गया, लेकिन स्वर्ग में प्रवेश तो नहीं किया बल्कि स्वर्ग को देखा, उसके कुछ भाग को देखा, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला चीज, जब इसको व्याला दिखाई पड़ी ये उसी की ओर बढ़ना चाहता है, लेकिन एक छोटी सी लड़की आगे खड़ी हुई और उसने कहा स्टे देयर, रुक जाओ वहीं पे, या उसका मतलब क्या है कि यह बढ़ नहीं सकते हेवन में, दूसरा मतलब उसका क्या है कि तुम्हारा समय नहीं हुआ, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं भी शायद समय हो ही रहा होगा लेकिन अनेक से प्रार्थना के द्वारा उसका समय नहीं है, उस प्रार्थना के कारण वो लड़की ने उसके यहाँ रुक जा, और जब वो वहां पे रुक गया इसका दिल करे आगे बढ़े को सह लेकिन नहीं सके जाए क्योंकि उसको कानून पालन करना है, और फिर उसने देखा ढेर सारे पेड़ है उस जगह पे और उस पेड़ों में ढेर सारा फल लगा हुआ है, और ये जो फल हमारी देश में पड़ती है ये बहुत छोटा है, बड़ा बड़ा फल लगा हुआ है और सभी ओर ज्योति ही ज्योति है, और ये जो पेड़ था ये जीवन का पेड़ था और जो फल था वो जीवन के फल था, उन्होंने जीवन के पेड़ देखा, जीवन के फल देखा और ज्योति ही ज्योति देखा, और फिर उसके बाद में वो वापस अपने शरीर में लौट के आ गया, और जब वो अपने शरीर में आया डॉक्टरों ने इससे कहा कि हमने तुम्हारे सब कुछ को चेक कर लिया, हार्ट और सब चीज जितना चीज करेगा सब कर चुका और एक भी बीमारी नहीं, कौन सा प्रॉब्लम था, तब उनको जाके पता चला कि हेयर डाई ही प्रॉब्लम था, प्रिजलो ने उसके केमिकल के कारण, कुछ कुछ लोग हमारे कलेशिया में अभी भी बैठे जिन्होंने ऐसी चीजें भी एक्सपीरियंस किया हेयर डाई लगाने के बाद में, आप बहुत चौकस रहे इससे हैं, प्रिजलो ने उसके बाद में डॉक्टर लोग उसको छुट्टी नहीं दिया लेकिन रखा कुछ रोज 2-4 रोज हॉस्पिटल में रखा, सिर्फ उन्होंने मांगे चेक करे और जाने मांगे अच्छे समझे मांगे उसके विषय में,
और वो दो चार रोज जब हॉस्पिटल में रहा तो आप जानते क्या कर रहा था हॉस्पिटल में, नेसों के संगे वो खटिया के सब टाइडी करे, उनके हेल्प करे प्रिजनर है, और वो उनके बीच में प्रभु के वचन भी बांटता है। हालेलुया। और यहाँ तक कि एक नेस बीमार रहा, उसको खांसी बहुत आता है, और ब्रदर वासु ने उसके लिए प्रार्थना किया, उसका खांसी भी उसे छोड़ के चला गया। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ प्रभु ने वासु के जीवन में अद्भुत कार्य किए हैं, कि हम एक जोरदार ये सिर्फ प्रभु ही कर सकते हैं, वासु आता है सकता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। और इस समय हमारे बीच में फसल दी है जो परमेश्वर के वचन को बांटेगी।